जहां सिलसिले के जिलाधिकारी भले ही अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने बात रहे हो, लेकिन मुरानीपुर तहसील क्षेत्र में बालू का अवैध खनन चरम सीमा पर है, जहां बालू माफियाओं द्वारा बिना किसी रोक टोक के निडर होकर बालू का उठान किया जा रहा है। सबसे अधिक बालू का खनन लहचूरा थाना क्षेत्र के बालू घाट से किया जा रहा है, जो रात्रि में 10 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक जारी बना रहता है। बालू माफियाओं द्वारा सड़कों पर फर्राटा मारते हुए ट्रैक्टर देखे जा सकते हैं। जब इस संबंध में लहचूरा थाना प्रभारी से जानकारी चाही तो उन्होंने क्षेत्र में खनन होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब इसकी पुष्टि के लिए रात्रि में सड़कों पर निकले तो सच्चाई सामने आई, जहां पर नदियों का सीना चीर बालू माफिया खनन को अंजाम देते व बालू से भरे ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि रात्रि में प्रत्येक ट्रैक्टर से एक निश्चित धनराशि ली जाती है, जिसके इवज में बालू माफिया बिना किसी भय के खनन करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में योगी सरकार की मशीनरी कहां तक सफल होगी, जब जिम्मेदार ही मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। जिले के उच्चाधिकारियों को खबर को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की जरूरत है, तभी पुलिस की कार्यशैली पर लगे आरोप स्पष्ट होंगे। मुरानीपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लाइट जलाओ, चलो तुम बनाओ, एक पीटीसी मारो।